बीते दिनों आई आंधी की वजह से गाजियाबाद के कुछ इलाकों में बिजली पानी की समस्या बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा विद्युत विभाग एवं क्षेत्रीय पंचायत अधिकारियों की लापरवाही। इतना ही नहीं, बिजली विभाग की समस्या के चलते ऑनलाइन क्लास में बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही लोग पानी को भी तरस रहे हैं। एक तो बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं, तो वहीं पानी की समस्या से लोग हताश व परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा, बीते दिनों आंधी की वजह से कुछ फॉल्ट हो गए थे जिन्हें ठीक कराया गया है और सब कुछ ठीक किया जा रहा है। कि पिछले 20-25 दिन से हर 2-3 दिन छोड़ पे बड़ी तेज आंधी आ रही है, उसमें हो रही रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लाइनों पे गिर जा रहे हैं। उसकी वजह से आंधी तो आधे घंटे के लिए आती है, लेकिन वो ब्रेकडाउन अटेंड करने में 8-10 घंटे तक हम लोगों को लग जा रहे हैं। शहर में तो फिर भी ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी समय काफ़ी हमारा डैमेज हुआ है। एक तो ये रीज़न था, दूसरा थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है, एसी का लोड बढ़ा है, तो जब पहली बार एकदम से लोड में वेरिएशन होता है, बढ़ता है, तो जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। उस पर वो भी एक रीज़न था, लेकिन वो चीज़ अब पूरी हो गई है। मेन ब्रेकडाउन होने का रीज़न हमारा ये जो आंधी तूफान था, उसकी वजह से होता ये है कि पब्लिक को ऐसा लगता है कि आधे घंटे के लिए तो बिजली आंधी आई थी, लेकिन बिजली बंद रही 6-8 घंटे। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई पेड़ टूट के लाइन पर गिर गया है तो उसमें डेफिनेटली उसको फिर पेड़ को काट के हटाना, फिर लाइन को पूरा सैक करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसको चार्ज करने में टाइम लग जाता है। दूसरी तरफ स्थानीय महिला इमराना ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बिजली समय पर नहीं मिल पा रही और कटौती पर कटौती के चलते बढ़ रही भीषण गर्मी में लोग हताश में परेशान हैं। कारण बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। बच्चों की पढ़ाइयों में दिक्कत आ रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही और गर्मियाँ ज़्यादा हो रही है, और जैसे फ़ोन वगैरह या फिर लैपटॉप पर ही ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं बच्चों की, और जब ये फ़ोन वगैरह या लैपटॉप चार्ज नहीं होंगे तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी कैसे चल पाएंगी। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कुछ तो पहले ही वीक थे, अब और ज़्यादा वीक हो रहे हैं क्योंकि जब लाइट नहीं आएगी तो बच्चों के लैपटॉप पे फिर ऑनलाइन क्लासें भी कैसे। दूसरी तरफ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही स्थानीय महिला रूबी ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आए दिन बिजली के तार टूट जाते हैं, जिन्हें वह बदलने का प्रयास नहीं करते, उन्हें ही रिपेयर कर देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बिजली की समस्या से लोग क्षेत्र में बेहाल नजर आ रहे हैं। लाइट की तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजह से मतलब जैसे हमें फोन वोन वगैरह चार्ज करने होते हैं तो वो भी लाइट से ही होंगे, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। अब कोरोना वायरस की वजह से तो अब उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, फ़ोन भी चार्ज करने होते होंगे और लैपटॉप भी चार्ज करने होते होंगे क्योंकि सभी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो किस तरीके से उतनी लाइट आ रही है जितनी उनकी ज़रूरत होनी चाहिए? उसी वजह से तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है और ऊपर से लाइट नहीं आती तो बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।